दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने दूसरे वनडे में छक्के चौकों की बरसात करते हुए जड़ा शतक और भारत को अंतिम ओवर में 29 रनों की थी दरकार। 5 छक्के जड़कर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जिताया मैच। तो दोस्तों इस बीच दूसरे वनडे के दौरान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक की वो तूफानी बल्लेबाजी आपको हाईलाइट वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा वनडे मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर में खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला उनका उन्हीं की टीम पर भारी पड़ता हुआ शुरुआत में नजर आया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ यहां न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 393 रन बना डाले थे और 394 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला। और दोस्तों एक समय तो ऐसा था कि जब भारतीय टीम की हार लगभग इस मुकाबले में निश्चित हो चुकी थी, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मुकाबले को ऐसे पलटा कि देखकर पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा। जी हां दोस्तों, मैच में हुआ ये था कि जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां पर फिन एलन और डेवोन कॉनवे ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की थी, जहां दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर पहला बड़ा झटका फिन एलन के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को लगा, जो कि 15 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं फिन एलन के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे हेनरी निकलस, जहां हेनरी निकलस और डेवोन कॉनवे के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही डेवोन कॉनवे का भी विकेट गिर गया और वो 42 गेंदों में 58 रन ही बना सके और न्यूजीलैंड की टीम को दो बड़े झटके यहां लग चुके थे। अब हेनरी निकलस और डेरिल मिचेल ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर हेनरी निकोलस 68 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं डेरिल मिचेल ने 10 रनों की पारी खेली और दोस्तों न्यूजीलैंड के ये 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब टीम खतरे में थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर अभी 200 के पार भी नहीं हुआ था और उनके 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन यहां पर दोस्तों उनकी टीम की तरफ से एक मसीहा निकल कर आए, वो थे उनके कप्तान टॉम लैथम, जहां टॉम लैथम ने 101 गेंदों पर शतक लगाते हुए 124 रनों की पारी खेली। हालांकि इनको कुलदीप यादव ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया, लेकिन यहां पर टॉम लैथम की 124 रन की पारी की बदौलत 300 रनों के स्कोर के पार न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी थी। और फिर अंत में ग्लेन फिलिप्स ने यहां 41 गेंदों में 59 और माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 47 रन जड़कर न्यूजीलैंड की टीम को 393 रनों के स्कोर पर पहुंचाया और 394 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला। और यहां पर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं एक एक विकेट मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को मिला। हालांकि दोस्तों अब भारतीय टीम की बारी थी इस मुश्किल मैदान पर 394 रन बनाने की, तभी टीम इंडिया इस मैच को जीतकर इतिहास रच पाती। और दोस्तों इसी आज के साथ कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच साझेदारी आगे बढ़ी रही थी। लेकिन यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को लगा, जहां 38 गेंदों में वो 43 रन बनाकर आउट हुए और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की। और इस बीच शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा, जो कि 54 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और 2 विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया डगमगा चुकी थी, क्योंकि भारत की जीत अब इस मैच में काफी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों अभी भी उम्मीद बरकरार थी, क्योंकि यहां पर चेज मास्टर, विराट कोहली और ईशान किशन मैदान पर टिके हुए थे। हालांकि ये दोनों भी पारी को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच ईशान किशन, जो कि 53 गेंदों में अपनी तूफानी 54 रन की पारी खेल आउट हुए, तो वहीं विराट कोहली ने आज के इस मुकाबले में 88 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों यहां पर ये 4 विकेट तो भारत के गिर चुके थे, लेकिन अभी भी भारतीय टीम जीत से बहुत दूर थी और रन चाहिए थे 100 से भी ज्यादा। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पारी को संभाला, जहां इस बीच सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने देखते ही देखते भारतीय टीम को अंतिम ओवर में पहुंचाया, जहां अंतिम ओवर में भारत को जीतने के लिए 29 रनों की दरकार थी। और दोस्तों यहां पर स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव, जो कि अर्धशतक पूरा करके मैदान पर अभी भी टिके हुए थे और हार्दिक पांड्या उनका साथ निभा रहे थे। यहां पर अंतिम ओवर करवाने के लिए न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से मैदान पर आते हैं लॉकी फर्ग्यूसन, जहां लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर होते हैं और वो छक्का लगाकर यहां पर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब 5 गेंदों में 23 रनों की दरकार थी और सूर्य कुमार यादव यहां अभी भी स्ट्राइक पर होते हैं, जो कि दूसरी गेंद पर भी छक्का जड़ देते हैं। और दोस्तों टीम इंडिया को एक और छक्का मिल जाने के बाद अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जीत अभी भी भारत से काफी ज्यादा दूर थी। यहां पर सूर्य कुमार यादव फिर अगली गेंद पर चौका जड़ देते हैं, जिसके चलते यहां पर सूर्य कुमार यादव अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों अपना शतक पूरा करने के बाद फिर चौथी गेंद पर सूर्य
कुमार यादव एक रन भाग लेते हैं और अब भारत को जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे, वो भी दो गेंदों में। और स्ट्राइक पर होते हैं हार्दिक पांड्या, जहां लॉकी फर्ग्यूसन पूरी कोशिश करते हैं कि हार्दिक पांड्या को यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या उस लेंथ की गेंद को भी छक्के में तब्दील कर देते हैं, जिसके चलते अब एक गेंद में भारत को जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। यहां पर लॉकी फर्ग्यूसन को पूरी उम्मीद थी कि वो मैच को जिता देंगे, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या भी स्ट्राइक पर थे और हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में जीत दिला दी। तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से यहां सूर्य कुमार यादव ने मात्र 58 गेंदों में शतक जड़ते हुए 105 रनों की पारी खेली, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 34 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसके चलते यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की जीत हो पाई। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरे वनडे मैच से ठीक पहले का खेला गया इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली और उनका साथ निभा रहे सुमन गिल ने 149 गेंदों में दोहरा शतक लगाते हुए 208 रन बनाए और अपनी पारी में 19 चौके और 9 बड़े छक्के भी लगाए। बाकी हार्दिक पांड्या 28 रन, वॉशिंगटन सुंदर 12 रन और शार्दुल ठाकुर 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे, जिसके चलते भारतीय टीम ने यहां 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बना लिए थे। और यहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी सिफले और डेरिल मिचेल ने 2-2 विकेट हासिल किए और अब न्यूजीलैंड की टीम के सामने लक्ष्य था 350 रनों का। हालांकि ये लक्ष्य इतना आसान था नहीं जितना कि देखने में लग रहा। एलन बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं तो यहां पर शार्दुल ठाकुर उनको 40 रन पर ही पवेलियन भेज देते हैं और ये दूसरा बड़ा विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक एक करके अपने विकेट गंवाते चले जाते हैं, जहां तीसरा झटका हेनरी निकलस के रूप में लगता है, जो कि 31 गेंदों में 18 रन ही बना पाए और कुलदीप यादव ने उनको बोल्ड आउट किया रोहित शर्मा के इशारों पर। तो वहीं फिर डेरिल मिचेल के रूप में चौथा झटका न्यूजीलैंड को लगा, जो कि 9 रन बनाकर ही कुलदीप यादव की गेंद पर LBW आउट हुए और फिर टॉम लैथम यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दोस्तों अपनी 117 रनों की पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 बड़े छक्के लगाए, जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा के रूप में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और टीम इंडिया में अब सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली पर पूरी जिम्मेदारी थी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की। और दोस्तों देखते ही देखते भारतीय टीम ने यह स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, जहां विराट कोहली ने आज सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर 94 रनों की साझेदारी की और इस बीच विराट कोहली ने जहां 83 रन बनाए। तो उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।